हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये आती ठंड जाती ठंड, आती ठंड जाती ठंड आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर रही होगी। और इन्हें देखो, ये रो रही है, छोटे बच्चे की तरह रो रही है। सुबह से रो रही है कि मेरे को पार्टी नहीं दी, पार्टी नहीं मुझे दी। पार्टी नहीं मिली है पार्टी मैं अभी आपको किचन में चल के सच दिखाती हूँ कि इतनी मिली थी कि कल का इतना पार्टी का सामान बचा हुआ आज हम गर्म कर करके खा नहीं, रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बचाया है वो बचाया है वो। हुआ क्या कि बहुत सारा नाश्ता ले आए थे, वो भी 9 बजे के बाद, तो बच रहा था। पहले इसने छोटी ने बोला कि रख लेते हैं गर्म करके कल खाएंगे। खाएंगे, केशव कह रहा है नहीं 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 जो आज आया वो आज ही खा के खत्म करो, कल पे नहीं ले जाना। लेकिन वो लेकिन फिर खाते भी बच खाते गया। उनकी अपनी भी बैंड बज गई जनाब की, तो वो बच गया। और यहाँ भाई बहन का प्यार देखिए, बहन का प्यार। ओ बाबू तो रो रही है, बाबू को चुप कराओ चुप कराओ। और आज छोटी बहुत सारी बातें करेंगी। मैं बहुत सारी बातें करूंगी, किचन हाँ तो करो दिखाती हूँ ना चलो चलते हैं। पहले हम इधर वीडियो बनाने आए हैं, शुभी अभी तक खेल रही थी, अब अचानक रोने लगी। तो यहाँ देखिए तो पीछे हमारे बैक पे जाते हैं, देखिए चाउमीन और वो समोसे गर्म हुए रखे हैं। ये ले लो एक चमचों का थोड़ा सा। गर्म करने लगो समोसे तो वो ऐसे ही हो जाते हैं। और ये अभी सबसे जो बड़ा है ये देखो बर्तन ये धोने हैं मुझे गाइस। पीछे बर्तन सिंक से ऊपर आ आ के कूद कूद के बोल रहे हैं कि आओ मुझे धो लो। आज 4 बजे के बाद से मैंने बर्तन नहीं धोए हैं तो इतने जमा हो गए हैं, पर मैं धो लेती हूँ, अभी धो लेती हूँ। हिम्मत बांधूंगी, एप्रिन बांधूंगी और धो डालूंगी, है ना। छोटी कुछ कहना चाह रही थी, क्या कहना चाह रही थी कि आज जो आप सभी ने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे विशेष दिए हैं उसके लिए लिए थैंक उसके यू। लिए धन्यवाद, थैंक यू सभी को। हाँ अभी मुझे ऐसे प्यार दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ क्योर स्किन्स के साथ हुआ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। तो स्किन से रिलेटेड जब भी हम कोई प्रोडक्ट या किट यूज करते हैं तो हमारे मन में ये फीलिंग आती है कि स्किन के साथ रिस्क ले या ना ले। कोई भी ऐप देख के आपके मन में ये डर आता है कि कहीं हमारे चेहरे को नुकसान ना पहुंचा दे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि क्योर स्किन जो भी किट अवेलेबल आपको कराती है वो कस्टमाइज्ड होती है। जैसे कि अगर मैं डाउनलोड कर रही हूँ प्ले स्टोर से ऐप, तो ये मेरे स्किन के अकॉर्डिंग मेरे को किट रेडी करके देते हैं। तो इनकी स्पेशल बात ये है कि ये किट जो है वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड करके देते हैं। तो ये कस्टमाइज्ड किट जो मेरे लिए आई थी, इसके प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत अच्छे रहे, इसका रिजल्ट बहुत विजिबल रहा और मेरा फेस जो है ना वो बहुत अच्छे से अब मेरे को लग रहा है कि ग्लो करने लगा है ना। और सबसे स्पेशल बात इस क्योर स्किन की ये है कि यहाँ पे आपको 24/7 जो है आपको डॉक्टर अवेलेबल मिलेंगे, स्किन से रिलेटेड डॉक्टर। आपको कभी भी आप उनसे चैटिंग कर सकते हैं, आप उनसे कॉल पे जो है राय ले सकते हैं अपने स्किन के बारे में, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो ऐसा होता है ना कि हमें कभी भी स्किन के लिए डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, वहाँ नंबर लगाइए आप, वहाँ फीस लेते हैं, फिर वो अलग से आपको जो है राय देते हैं, तो अलग से उसके लिए एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर हम भूल भी जाते हैं कि हम स्किन केयर से अभी टच में हैं, तो वहाँ आपका बेनिफिट ये है कि डॉक्टर्स खुद आपको जो है नोटिफिकेशन के थ्रू आपको याद दिलाते हैं, आपकी केयर करते हैं। तो क्योर स्किन की सबसे प्यारी बात मुझे ये लगी कि सिर्फ ये क्योर ही नहीं करते हैं, स्किन की केयर भी करते हैं यहाँ के डॉक्टर्स। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। किट में जो भी मेरे को प्रोडक्ट्स मिले थे उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देखिएगा, मैंने वहाँ सारा एक्सपीरियंस शेयर किया है अपना। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी उन सभी वीडियोस की, तो वहाँ पे भी जाके आप चेकआउट कीजिए। ऑल्सो मैं आप सभी के साथ फोटो भी अपनी शेयर करूंगी, बिफोर एंड आफ्टर की फोटो, कि जब मैंने ये ऐप डाउनलोड किया था उस टाइम पे जब डॉक्टर ने मेरे फेस को एनालिसिस किया था कि मेरे फेस पे कितने ज्यादा स्पॉट हैं, कितने ज्यादा पिंपल्स हैं, और जब मैंने 1 महीने बाद वापस अपने फेस को एनालिसिस किया डॉक्टर्स ने, तो डॉक्टर्स को कुछ भी ऐसा नहीं फील हुआ कि, और बहुत जो है इम्प्रूवमेंट मिली लगी उन्हें मेरे फेस पे। तो ये मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बिफोर और आफ्टर की फोटो दिखा के, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप भी जरूर ऐसा ट्राई, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरे पास है एक गुड पॉइंट कि मेरे पास है इस ऐप का प्रो कोड जो कि है Anita 200। तो इस प्रो कोड को अगर आप यूज करेंगे तो आपको अपने किए हुए ऑर्डर 200 रुपीज ऑफ मिलेंगे। तो ये है बहुत ही बेस्ट पॉइंट।
फाइनली मैं आप सभी को ये बताऊं कि मेरे इस किट को यूज करने के बाद मेरी फैमिली भी बहुत खुश है, सभी मुझे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि मेरे फेस पे जो है चेंजेस दिख रहे हैं। तो इसलिए मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करके आपको बोल रही हूँ कि आप सभी भी इस ऐप को डाउनलोड करें और इसके प्रोडक्ट को प्लीज प्लीज यूज करें। तो अभी हमारी वो जो है ना हॉस्पिटल गए हुए दिखाने के लिए, तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं क्या है नहीं है आने के बाद बताएंगे, लेकिन उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, इस वजह से हमने सेलिब्रेशन नहीं किया। तबीयत ठीक रहेगी तो हम नेक्स्ट मंथ देखेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, इसीलिए अभी छोटा मोटा ही था पर ठीक था। मन खुश होता है तो अच्छा लगता है सब चीज, कि मन ही खुश नहीं था तो इसीलिए। लेकिन बड़ों की बात भी मैंने भी मान ली कि चलो माननी चाहिए, बड़े हैं, इन लोगों ने इतना किया, इसलिए मैंने ये ना मेरे को भी चाउमिन चाउमिन बोलती है। सुबह सुबह मैडम को ये कहा जाता है कि बेबू फीड करती है तो जल्दी नाश्ता करने के लिए, तो नाश्ते में दो रोटी बिचारी ने बहुत अच्छे से संस्कारी बहू की तरह खा ली। उसके 15 मिनट बाद मैंने देखा क्या चुट 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 आवाज आ रही है, ये पता नहीं क्या कर रही है किचन में। देखा तो मैडम चाउमीन गरम कर रही थी चाय के साथ 11 बजे सुबह। ये पक्की चाउमीन की दीवानी है, बहुत अच्छा लगता है। मोमोज मुझे बहुत पसंद है, मोमोज तो बस फिर भी कम मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन चाउमीन में खा लेती हूँ, बराबर आ जाते हैं। खाया ही नहीं है जब से सुबह हुई है, 3 महीने की होगी पूरी, तब से मैंने मोमोज खाया है नहीं खाया, चाउमीन तो मैंने फिर चाउमीन तो खाई है फिर भी। और जो शेयर करना है वो भी तो शेयर करो, और आज के लिए बस इतना ही। नहीं करो कुछ नहीं, तो बोलो, कुछ तो बताओ, कुछ है छोटी के पास बताने के लिए? पर आप सभी को तो पता ही है छोटी का नेचर, जब गुड न्यूज देने का टाइम आया था तो कितने टाइम बाद वो गुड न्यूज जो है रिवील की थी। तो अभी कुछ है छोटी के पास आप सभी के साथ शेयर करने के लिए, पर जब वो मैडम चाहेंगी, कोई फोर्स नहीं है, हम तभी शेयर करवाएंगे, है ना। तो अभी जो है शुभि चुप हो गई है, इसका मतलब है कि कार्तिक ने शुभि को चुप करा लिया है। क्या ये वीडियो बन रही है, टाइमिंग आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है टाइमिंग। इनके फोन में अजीब सा सर्कल बन जाता है तो समझ में ही नहीं आता है। गैस में कुछ चढ़ा रखा है? नहीं कुछ नहीं, कढ़ाई चढ़ी हुई है, खाली कढ़ाई गर्म हो रही है, क्योंकि मुझे ना पीठ गर्म गर्म लगने लगी अचानक से। हम टेक लगा के खड़े हैं यहाँ पे, तो वेट कर रहे हैं बुआ के आने का। मैंने पूछा था कॉल करके कि आपको डॉक्टर देख ले, तो बोले अभी नहीं, अभी अच्छा नंबर होगा वहाँ पे। हाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हमारे साइड के ही डॉक्टर हैं, और पापा के जो गुरुजी हैं उनके सुपुत्र हैं, वो डॉक्टर हैं, उनकी धर्मपत्नी है वो भी डॉक्टर हैं, दोनों की पर्सनल क्लिनिक्स हैं, और मधुविहार में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है अपना, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत एजुकेटेड, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। और बोलते इतना धीरे और इतना मीठा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। छोटी को भी देखने आए थे दोनों घर पे, है ना, डॉक्टर दोनों आए थे घर पे देखने, क्योंकि फैमिली रिलेशन भी है। हाँ और बहुत अच्छे हैं वो, तो वो हमें पूरा मतलब ट्रस्ट होता है ना एक जिन डॉक्टर पे, तो उन पे ये भी होता है कि उनके पास गए हैं तो अच्छे रिजल्ट ही आएंगे। और वो बहुत अच्छे से, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिखे थे बुआ के, वो सारे टेस्ट हुए हैं, कुछ रिपोर्ट्स आ गई हैं, कुछ आनी हैं, कल तक आएंगी, तो देखते हैं। कोशिश है, मन में भगवान से प्रार्थना है कि सब कुछ हल्का फुल्का दिक्कत ही हो, क्योंकि 15 दिन होने वाले हैं, दिक्कत तो है लेकिन ज़्यादा बड़ी ना हो और वो रिकवर कर जाए, बस यही विश कर रहे हैं। आप सभी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो वी होप कि सब कुछ अच्छा हो छोटी की लाइफ में, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। शुभी है घर में तो सब कुछ शुभ शुभ हो, बस यही सोचते हैं हम तो। सारा दिन शुभी 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 करते 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 हमारा दिन निकल जाता है गाइस। केशव को मिलवाती हूँ मैं आप सभी को, केशव वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। चाउमीन और समोसे ठंडे हो जाए, इससे पहले आप उन्हें खा लीजिए। छोटी सी व्लॉगिंग है ये, ऐसे ही बस गपशप करी है शाम की। ये जो बेड खाली दिख रहा है यहाँ पे, हम दीदी को मिस कर रहे हैं क्योंकि ये दीदी ने हथिया लिया एकदम पूरी तरीके से, तो दीदी घर के किसी भी कमरे में किसी भी बेड पे कंफर्टेबल फील नहीं करती है जितना वो यहाँ पे, उनको यहाँ अच्छा लगता है। हाँ ये वैसे भी ये छोटी कह रही है ये खानदानी बेड है, मैं शादी करके आई थी जब तो यही बेड था, तब फिर डबल बेड जब मतलब पापा ने जो दिया था तो उसको ऊपर रूम बन रहा था तो उसमें टाइम लगा, है ना। मेरे से पहले मम्मी पापा भाई बहन सब रहे, उसके बाद फिर मैं, उसके बाद छोटी के कमरे में भी जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो यही बेड था। 1 साल बाद वो नया बेड आया, आप सभी को तो सब कुछ पता है, तो इसीलिए छोटी जो है इसको खानदानी बेड बोलती है। और अब क्या हुआ है कि फाइनली इसने स्पेस ले लिया है पूरे घर के बीचों बीच में, तो यहाँ पे दीदी और मम्मी का फेवरेट प्लेस है, वो दोनों यहाँ बैठती हैं और सब कुछ हर कमरे पे हर जगह उनका, बड़ों का जो ध्यान होता है ना वो रहता है।
इस सीसीटीवी कैमरा देखो ऑन कैमरा बोल रही है सास को और ननद को, बिग बॉस की आंख बोलती है। मैं बताती हूँ देखो, अगर वो नहीं होंगे तो हम अच्छा बुरा करेंगे तो हमें कौन रोकेगा, कौन ये बताओ। हाँ। जैसे अभी गैस खुला हुआ था, मुझे ध्यान नहीं था, आपने बोला ना। बिल्कुल मैं भी उसी कैटेगरी में आ रही हूँ, मतलब है नहीं, मतलब बोलते, मतलब बड़ों का होना जरूरी है बेटा, हम समझ गए, बातें भी होती है, समझ लो, समझ जाइए आप YouTube फैमिली हमारी, सास ननद जेठानी सब सेम कैटेगरी में आ गए हैं। नहीं बचाया है आपने, अगर वो जल जाता फिर बताओ। हाँ, अच्छी राय देने के लिए बड़े हो ना, इसीलिए बहुत जरूरी होता है खानदानी बैट, बिल्कुल सही जगह पे है। और जबकि मुझे मुझे पर्सनली ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, यहाँ सोफा था, यहाँ टेबल था, तो वहाँ खाना पीना करने में बहुत इजी रहता था। अब यहाँ से दौड़ दौड़ के वहाँ उस वाले टेबल पे सब खाना पीना खाते हैं, और वो टेबल सोफा भी एकदम रफ हो गया, रोज यूज होते होते, तो वो थोड़ा सा बैड पॉइंट है, पर कोई बात नहीं, चलता है। इस बार तो आप ही ने बोला है ना, चेंजेस होते रहेंगे, चेंजेस होंगे, बहुत सारे होंगे। तो बहुत सारी गपशप हम दोनों इकट्ठे हो गए हैं, तो बहुत दिनों बाद हम दोनों इस तरह ऑन कैमरा इकट्ठे आए हैं, क्योंकि ये मैडम ना बस क्या ही बताऊं, बहुत बहुत बिजी रहती है, सारे घर का भार है इसके छोटे से सर पे, इसके छोटे से सर पे बहुत बड़ा भार है, एक फोटो खींचा इसे, कभी इस कमरे नहीं रहती। हाँ भाई, इधर पति देव रहते हैं, उधर बिटिया रहती है, बीच में किचन है, तो ये इसका ट्रायंगल चलता रहता है, चलता रहता है। तो ऐसे ही सब कुछ चलता रहे सबके घर में, ये हंसना रोना सुख दुख सब ऐसे ही, सुख ज्यादा बना रहे, दुख आए भी तो फटाक से चला जाए, हमारा भी चला जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय गाइज, बाय बाय कर दो, बाय बाय राधे राधे।